फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामशरण और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपका मोबाइल कहीं खो जाता है या आपके फ्रेंड्स का या कोई आपके रिलेटिव का या आपके फैमिली के कोई मेंबर का मोबाइल खो जाता है तो आप उस मोबाइल फ़ोन को लोकेट करना बहुत ही मुश्किल समझते हैं। अगर आपके पास IMEI नंबर है तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि IMEI के नंबर आप खुद से ट्रैक करें तो यह एक नॉर्मल पर्सन के लिए यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन IMEI के थ्रू कोई भी मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं तो किसी का किसी से अगर दुश्मनी होता तो वो आसानी से उसे हानि पहुंचा सकती हैं। इसीलिए यह फैसिलिटी IMEI के थ्रू किसी भी नंबर को नॉर्मल पर्सन के लिए इस फैसिलिटी को उपलब्ध नहीं दिया गया है। तो सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि अगर हमारा फ़ोन खो जाता है तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर हमारा फ़ोन खो जाता है तो हम उसको ट्रेस कैसे करेंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि IMEI नंबर प्राप्त कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा आदमी के पास IMEI नंबर नहीं होता है, तो गूगल आईडी में आपका जो आप एंड्रॉयड फ़ोन या फिर कोई भी iOS यूज़ करते हैं तो गूगल आईडी में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। हालांकि मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका मोबाइल खो जाता है तो उसमें फाइंड करने के लिए क्या क्या आप को मिलेगा, अभी मैं बता दूँ। सबसे पहले, आपका अगर मोबाइल कहीं रूम में या फिर चोरी हो गया या फिर कहीं बेड के नीचे मिसिंग है तो आप उसमें फ़ोन कर सकते हैं, मतलब रिंग कर सकते हैं। आप ये फैसिलिटी है कि आप उस पर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा तो उसमें आपका मोबाइल में रिंग होगा, कॉल नहीं जाएगा। आपका मोबाइल फ़ोन अगर बंद है फिर भी आपके मोबाइल में रिंग जाएगा। दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप अगर आपका कोई पर्सन दूसरा या फिर चोरी हुआ कोई किसी के पास फ़ोन है तो आप उसके स्क्रीन पर कोई मैसेज छोड़ सकते हैं कि भाई आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करो और आप हमें इसका नंबर दे दो, मोबाइल दे दो और आप हमसे मिलिए, या फिर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उसे फ़ोन ले सकते हैं। तीसरा, अगर ये ऑप्शन काम नहीं करता तो आप अपने मोबाइल का सारा डेटा को इरेज कर सकते हैं। यू मीन आप अपना सारा डाटा जो है मोबाइल फ़ोन का उसको ऑनलाइन ही डिलीट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। और चौथा, आपका मोबाइल फ़ोन को लॉकेट, आपका मोबाइल फ़ोन कौन से डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन से स्टेट प्लेस कौन सा है वो भी बता देगा आपके इस वीडियो में। मैं बताऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। गूगल खोल लेते हैं। गूगल में सबसे पहले टाइप करते हैं फाइंड माई डिवाइस, आप भी इसे को टाइप करें। चलिए इसे सर्च करते हैं। ये ओपन हो चुका है हमारे सामने, आप देख रहे होंगे कि खुल चुका है। नीचे सबसे करना है, सबसे हाँ आ गया, फर्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा है फाइंड माई डिवाइस गूगल, इस पर प्रेस करना है। यहीं से हमें सारा कुछ की जानकारी मिलेगी और IMEI नंबर यहीं से प्राप्त होगा। आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोकेशन खुल रहा है और फर्स्ट में देख रहे होंगे कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है जो इस ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, अगर आपके पास जो मोबाइल था, कि आपका जो मोबाइल खोया तो उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होगा। इस प्रोसेस में आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड का होना बहुत ही महत्व है। इससे लॉगिन कर लें, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में लॉगिन कर लें, उसके बाद आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा मोबाइल जो है वो माइक्रोमैक्स सेल्फी बोल्ड है और इसमें अभी 70% बैटरी अवेलेबल है। उसके बाद आप साइड में देख रहे होंगे कि लोकेशन शो हो गया है। आप सबसे पहले हम लोकेशन को ओपन करते हैं, लोकेशन में क्या आ रहा है।
लोकेशन खुल चुका है, हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये किनालूर में है। किनालूर हम प्रॉपरली अभी किनालूर वीकेसी फुटवेयर इंटरनेशनल के साइड में रह रहे हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ हमारा प्लेस कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। आप देख रहे होंगे कि वीकेसी फुटवेयर इंटरनेशनल से साइड में है, कक्कायाम रोड के साइड में हम अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहीं से अभी हम वीडियो की रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो लोकेशन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। आपका लोकेशन जो ईमेल आईडी से आपका जो लॉगिन होगा वो वहाँ पे शो होगा। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस साइड आ जाइए। आप यहाँ जो आई का बटन दिख रहा है उस पर अगर आप प्रेस कीजिएगा तो आपको डिवाइस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और IMEI नंबर मिल जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर IMEI नंबर फाउंड हो चुका है और हमारा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है 30 दिसंबर 2018 को वो दे दिया है। हम इसे साइड करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में प्ले साउंड का आ रहा है, इस पर प्रेस करने के बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड जैसा बजने लगेगा। जैसे कि अगर आपका मोबाइल कहीं बेड के नीचे है या फिर कहीं पर और है तो उसको बिना मोबाइल में सिग्नल हुए आपका मोबाइल में रिंग होगा और बजेगा। और इसे आप 5 मिनट तक चलने के लिए छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, इसे पीछे करते हैं। सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिवाइस पर प्रेस करते हैं। इस पर प्रेस करने के बाद आपको इसके लिए आप एक सेकेंड इसमें आप उसके जो मोबाइल है आप जो मोबाइल आपका मोबाइल जो मिसिंग है उस मोबाइल पर अगर ऑन है तो आप उस पर कोई मैसेज छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप मैसेज टाइप करेंगे और आप अपना कोई दूसरा नंबर दें ताकि उसे कोई होता है कि बहुत सारे आदमी अच्छे होते हैं तो आपका मोबाइल रिटर्न कर देता है। आप इसमें आप अपना कोई दूसरा नंबर दे दें और उसे प्रेस करें तो आपका मोबाइल जहाँ पर भी होगा और या फिर किसी पर्सन के पास होगा तो वो उसके स्क्रीन पर शो होगा ये मैसेज और फ़ोन नंबर। तो हो सकता है कि बहुत आदमी जो है ईमानदार और अच्छा होता है तो आपको कॉल बैक करके दे सकता है, नहीं तो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए इसे बैक कर लेते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। इरेज डिवाइस, अगर आपका इससे अगर नहीं मिला और ये सभी ऑप्शन काम नहीं किया, आपका मोबाइल कोई मिला नहीं, तो सबसे यहाँ पे इरेज डिवाइस पर प्रेस करके आप अपने मोबाइल फ़ोन का जितना भी डाटा है वो सभी डिलीट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आप इसमें आप मोबाइल का जितना भी डाटा होगा वो यहाँ पर प्रेस करेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे तो आपका डाटा सभी डिलीट हो जाएगा। हम इस पर प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन तो अभी है ही यहाँ पर, इसलिए तो आप यहाँ से आप अपना सारा डाटा इरेज कर सकते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको IMEI की नंबर की ज़रूरी पड़ेगी, वो भी हमने आपको IMEI नंबर बता दिया कि आपको कहाँ से मिलेगा IMEI नंबर। तो सो फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो से हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।